यहाँ से आप रैली निकलेगी बीजेपी की, देख सकते हैं आप ये लगा। हम कोटी से हम लोग पहुँचने वाले हैं पेंगनी गाँव में। फिर पछताने पर लो अभी चेते जावा, ए मोदी जी का नौकी राज राखा, दिलीप रावत भेजी ते फिर विधायक बनावा। बेसन विधायक भाजपा पुराने बल, दिलीप रावत ते विधायक बनाने बल। और यहाँ पर नारे लग रहे हैं, दलीप भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दलीप भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोच सकते हैं आप, चप्पा अभी हमारे विधायक में पहुँचने वाले हमारे देश में और युवा शक्ति महिला आने वाले बुजुर्ग नौजवान साथियों को मेरा निवेदन है कि हमारा ये आठ दाखिल ग्यारह माना आठ दाखिल है। आठ दाखिल का निर्णय होता है, फैसला हर समय सुझाव रद्द चलता है आठ दाखिल से, तो आठ दाखिल की सम्मानित जनता से मेरा निवेदन है, विजय रथ पहुँच चुका है, विजय रथ पहुँच चुका है हमारे साथ महंत दलीप राव जी हमारे क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि महंत दलीप राव जी हमारे विधायक जी हमारे दोस्त आ चुके हैं। माननीय विधायक जी आप पहुंच चुके हैं हमारे बीच, माननीय विधायक जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच, ये देख सकते हैं आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
Thank you.
क्योंकि श्री बाबा सिंह गुसाई ने किया श्री पंत जी से भी निवेदन की हाथ दिया है और पंत जी का मनोरथन करेंगे युवा साथी हमारे हाथ करें क्षेत्र की मातृशक्ति मेरे युवा साथी बुजुर्ग प्यारी जनता आज जो 14 फरवरी को लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है उसके लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं समस्त मातृशक्ति से विशेषकर आग्रह करता हूँ बिंदु करता हूँ और नमन भी करता हूँ कि 14 तारीख का दिन होगा कमल चुनाव का चिन्ह होगा। हमें अपना एक विधायक मोहन दलित जी के पक्ष में करना है और उन बाहरी लोगों को दिखाना है कि भारत का बाहरी होता है और अपना अपना ही। हम कहते हैं और हमारे पूर्वज कहते हैं चक्र गौरव तो सिंह तल। मैं आशा करता हूँ समस्त महिला मंडल दलों से मातृशक्ति से बुजुर्गों और समस्त देश में जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के आड़वाखंड की जनता से अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जिस प्रकार से आज इस लोकतंत्र के महापर्व में एकत्रित हुए हैं इसी प्रकार का जोश खरोश हमें 14 फरवरी को दिखाना है। भाई मैं दलित जी के पक्ष में मतदान करना है। अगर वोट की निकन खत वोट निकन कटे हुई खत सारी लोग हमारी पार्टी भारत बेदखल हो गई। उन्हें कहा सर वो पार्टी बदल करिए अब जीत नहीं पा रहे तो हथगदने करते रहे अब हथगदने करते रहे। मैं अधिक समय न लेते हुए अब माननीय महन जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और निश्चित भी महीने दो महीने में इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप ध्यान पूर्वक माननीय महंत धनी राव जी के बातों को सुने और 14 तारीख को अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे। धन्यवाद धन्यवाद। मंच पर बैठे सम्मानित जी केसर सिंह रावत जी सतीश सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देवरानी जी और हमारे युवा मोर्चा के श्री नीरज पंत जी बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठजन और स्थानीय हमारे जितने भी हैं जसोदा जी की क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री रामपाल जी कमलीर सिंह जी अजीत चंद जी रोहित शाह जी मनोहर नेगी जी सोहन पटवाल जी समस्त महिला मंगल दल आप सभी लोगों की तरफ से आज सभी माता और बहनों क्षेत्र के तमाम हमारे वरिष्ठ जन हमारे नौजवान साथी प्यारे बच्चे सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोगों का आशीर्वाद हमको मिला और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को कमल वाले निशान पर आपका आशीर्वाद मिलेगा और इस देश में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि साहब ये वोट अब क्या सड़क अब आप सिर्फ हो गया बिजली के लिए पानी के लिए शिक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं ये लड़ाई जो है ना बिजली के लिए ना पानी के लिए ना सड़क के लिए है ये लड़ाई इस देश की गौरव के लिए है इस देश की सुरक्षा के लिए इस देश में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है। आप अगर आपको याद होगा कि 700 साल से हम लोग मांग करते रहे कि हमको अपना इष्ट भगवान राम का मंदिर बनाना है और ये दुर्भाग्य हिंदू धर्म का कि 700 साल से हम अपने भगवान के जन्म स्थान में उसका मंदिर नहीं बना पाए ये दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म ठंडा है अपने धर्म के लिए मरते नहीं और 700 साल से मांग करते रहे। हमने सोचा कि आजादी से पहले चलो ईसाइयों का सरकार है उनका शासन था मुसलमानों का शासन था इसलिए मंदिर नहीं बना लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में सारे के सारे हिंदुओं का राज हुआ कांग्रेस की सरकार बनी और हम सबों को अपेक्षा थी कि अब राम मंदिर बनेगा लेकिन 70 साल तक वो राम मंदिर नहीं बना। ये भाई और बहनों ये गौरव आप लोगों ने देखा होगा कि 70 साल के बाद हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ये सौभाग्य हम लोगों को मिला। लोग कहते हैं कि
कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद फर्क क्या पड़ा। मैं आपको फर्क बताता हूं। अभी कोविड का बीमारी हुई और हम सब लोगों बीमारी से त्रस्त हुए, हम ही नहीं पूरा विश्व हुआ, और पूरा विश्व चिंता में था कि हम लोग कैसे अपने जीवन को बचाएंगे। एक समय ऐसा आया था कि अपना कोई रिश्तेदार मर गया तो लोग उसके अंतिम संस्कार तक मिलेंगे। अपने घर में हमारी शादियां नहीं हुई, बाहर नहीं निकले लोग, एक दूसरे रिश्तेदार के पास नहीं गए, सारा जो हमारा एक सामाजिक ढांचा था, पारिवारिक ढांचा था, वो टूट गया। हम सब लोग चिंता में थे कि हम अपना जीवन कैसे बचाए। ऐसे समय में जब कोई कोरोना की कोई बीमारी नहीं, कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने गंभीरता से विचार किया और 1.5 साल के अंदर अंदर उस कोविड वैक्सीन की खोज भी की और हम सब लोगों को मुफ्त में लगाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आपको बता दूं कि पहली बार गौरव क्या हुआ। गौरव यह हुआ कि चेचक का इंजेक्शन हुआ, आपका पोलियो का इंजेक्शन, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, किसी चीज का इंजेक्शन हम हर समय विदेश से मंगाते थे और 15 साल बाद हम लोगों को लगने का नंबर आता था। जब आदि हमारे आदि लोग हमारे भगवान को प्यारे हो जाते थे, लेकिन मोदी जी ने 1.5 साल के अंदर अंदर उस इंजेक्शन की खोज भी की और हम सब लोगों को लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ खाने की व्यवस्था भी है, यहाँ ऊपर खाने की व्यवस्था है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ ऊपर। तो मैं जब आपको बताऊंगा, मैं तो मैं 2 मिनट चुप रहूंगा। काफी जनसंख्या में लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, इतना भीड़ मिलने में नहीं होता है। खाने की व्यवस्था हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर ये भोजन पानी का व्यवस्था भी है। इधर ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ओर से देखिएगा यहाँ, तो कुछ लोग इधर खा रहे हैं। जनसंख्या ज्यादा है ना, बाय बाय दोस्तों, अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिएगा मेरे साथ। मुझे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।